तो ये देखो प्यारे बच्चों, ये एक अक्सर डाउट में बच्चे लेके आते हैं इस क्वेश्चन को, परेशान रहते हैं थोड़ा, तो चलो इसको हम लोग करते हैं। कहता है बॉल थ्रोन अपवार्ड, अगर एक मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूँ, तो अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ तो लेट समय जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी यू थी, तो अगर टाइम जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी यू टू, तो ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा और इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ जीरो हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग इट्स हाइट इफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर। यहाँ ध्यान देना, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं किया जाएगा, मतलब एयर रेजिस्टेंस अगर इग्नोर करते हो, नो एयर होता है, तब कैसा ग्राफ होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, तो ऊपर जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी जी v और t में ग्राफ बनाना, तो v रहेगा इनिशियल वेलोसिटी u और माइनस जी टी। तो माइनस जी टी ये क्या भैया, ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर बी टी ग्राफ बनाते हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और वेलोसिटी धीरे धीरे स्लोप जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है स्लोप नेगेटिव ऐसे आएगी, फिर वो जब वापस आएगा तो स्पीड बना टाइम ग्राफ ऐसे आएगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका आप बनाए होंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे आता है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर और यहाँ टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ है, तो ये वाला जो दिया है वो स्पीड टाइम ग्राफ है जबकि एयर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस काउंट करोगे तो क्या होगा भाई, स्पीड चेंज हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगा, माइनस एक्सलेशन जी के पे नेट एक्सलेशन एयर ड्रैग और टाइम टी, तो ये इक्वेशन आएगा और ये इक्वेशन लीनियर नहीं होता है बच्चों, ये इक्वेशन नॉट लीनियर होता है, ठीक है। अगर आप लीनियर फोर्स भी कंसीडर करते हो तभी भी ये लीनियर नहीं आता है, तो लीनियर नहीं आता है तो ये सही नहीं हो सकता, बी सही नहीं हो सकता, डी ऑप्शन सही है। तो लीनियर नहीं आता है, चलो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे चलो मान लेते हैं एक बॉल अगर ऊपर जा रहा है, तो अगर बॉल ऊपर जा रहा है तो जब बॉल ऊपर जा रहा है तो मान लो इस पे एयर ड्रैग ड्रैग विस्कस फोर्स एयर ड्रैग माइनस सम कांस्टेंट वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, दिस इज द वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स और ये एयर ड्रैग है, तो अगर ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स इस पे लग रहा है तो अगर मैं इसका देखूँ तुम देखोगे तो एयर ड्रैग है जो फंक्शन ऑफ टाइम, अगर वेलोसिटी देखे तो ये आ जाएगा एम ए इक्वल टू माइनस के बी, मैं यहाँ लेट किया हूँ एज्यूम किया हूँ आप, हाँ ये एक्चुअली अगर क्वाड्रेटिक भी लोगे या स्क्वायर लोगे तभी भी लीनियर नहीं आएगा, तो अगर मैं एक्सलेशन ए की वैल्यू माइनस के अपान यहाँ से लिखता हूँ एम दैट इज़ बी, तो यहाँ से तुम देखोगे यहाँ से एक्सलेशन को मैं लिख सकता हूँ डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के अपान एम और बी, तो यहाँ से डी बी इज इक्वल टू माइनस के और यहाँ से एम डी टी दैट इज़ बी, तो इसको जब प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट, जब टाइम जीरो था तो यू था और ये बी था और ये जो है ये टाइम टी हो गया और वेलोसिटी भी हो गया, तो ये आ जाएगा लॉग बी बाई यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका माइनस आ जाएगा के अपान एम और टी, तो इसका मतलब बी की वैल्यू आ जाएगा यू ई की पावर माइनस के अपान एम टी। तो अब ये वाला जो फंक्शन है देख रहे हो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, अगर तुम देखोगे टाइम जीरो है यहाँ पे तो वेलोसिटी बी की वैल्यू यू है, जब टाइम इन्फिनिटी टेंड कर रहा है तो यू तो बी की वैल्यू जो है और यू और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो यू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी तो वन बाई इन्फिनिटी जीरो टेंड करता है, तो ये सब जीरो टेंड कर रहा है, तो बी टेंड कर रहा है, तो जब टी इन्फिनिटी टेंड कर रहा है तो बी टेंड कर रहा है जीरो, मतलब अगर इसकी ग्राफ देखोगे तो ये एक्सपोनेंशियली ऐसे डिक्रीज होता आएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली या ये थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा, तो वेलोसिटी कर्व लीनियर तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सिर्फ मैं एयर ड्रैग के फोर्स के बारे में कंसीडर कर लिया हूँ, उसी से हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप कंसीडर कर, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाना चाहते हो तो वेट भी कंसीडर कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे, तो आई होप कि ये बेसिक बेसिक नीट वालों के लिए क्लियर हो गया होगा, और अगर ज़्यादा डेप्थ में वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एयर ड्रैग फोर्सेस। थैंक यू।